लगातार लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते सुर्खियों में रहने वाली नगर परिषद केलारस में चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है, जहां नगर परिषद अध्यक्ष अंजना ब्रजेश बंसल और सीएमओ ने मुरैना कलेक्टर के नियम और शर्तों की धज्जियां उड़ाते हुए 75 लोगों के आवास योजना की स्वीकृति बिना कलेक्टर के अनुमोदन के ही कर दी और लगभग 1,80,00,000 रुपए की राशि का सीधा भुगतान भी कर दिया। लिहाजा सवाल ये उठता है कि बिना कलेक्टर के अनुमोदन के आवास स्वीकृति कैसे कर दी गई? केलारस तहसील में लगातार अंजना ब्रजेश बंसल द्वारा धरना प्रदर्शन की नौटंकी कर नगर की जनता को गुमराह किया जा रहा है और आवास योजना में अन्य आवासों की स्वीकृति के लिए दबाव बनाया जा रहा है। नगर परिषद में हुए आवास घोटाले को लेकर शिकायत भी कलेक्टर के यहाँ दर्ज है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और अन्य दलों द्वारा जांच की मांग की जा रही है। बिना अनुमोदन के राशि खाते में डाल दी गई है। सर राशि की संख्या क्या है? राशि संख्या 1.5 करोड़ के लगभग। सर ऐसा कोई प्रावधान है कि कलेक्टर के बिना अनुमोदन के राशि डाल सकते हैं? नहीं, कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत ही राशि शासन का नियम है। इससे पहले कोई और ऐसा कोई मामला आया है जिसमें कलेक्टर के बिना अनुमोदन और राशि डाली हो या अनुमोदन करके डाला है? नहीं, ऐसा मामला मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं है। जो अनुमोदन प्राप्त, अच्छा 98 आवेदक ऐसे हैं जिनकी अनुमोदन के तहत डाली, अनुमोदन से प्राप्त कर ही डाली। इस समय परस्त